अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम करेंगे महाराष्ट्र के ऊपर अपना राजनीतिक अवलोकन कि महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है। और हम जैसे बात करें कि जैसे हरियाणा की आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, एक चीज़ देखने को मिल रही है पिछले इलेक्शन में, सभी प्रांतों के इलेक्शन में, कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन वो जादुई आंकड़ा नहीं छू पा रही। चाहे वो कर्नाटका की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे वो बात मध्य प्रदेश की हो, तो उसको अपने सहयोगियों की तरफ देखना पड़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के हालात बिल्कुल डिफरेंट है। महाराष्ट्र शिवाजी की भूमि, जहां पर अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर क्या स्थिति है मौजूदा। कुल सीटें 288 है महाराष्ट्र की, और भारतीय जनता पार्टी 105 सीट लेकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, और शिवसेना 56, एनसीपी 54, कांग्रेस 44 और अन्य 43। अब हम बात करेंगे सभी पार्टियों की तरतीब भाई। बीजेपी जैसे आप सबको पता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पिछली, उसमें देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे। हम ये नहीं कह सकते कि एंटी इनकमेसी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई। इस स्थिति के अंदर उसको अपनी सहयोगी दल, जो काफ़ी वर्षों से शिवसेना जिसका एक अपना प्रभुत्व है महाराष्ट्र के अंदर, उसकी तरफ देखना पड़ा। लेकिन ऐन वक्त पर शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई। क्या कारण थे? लेकिन एक बात यहाँ पर देखने को और मिल रही है, जो बाला साहब ठाकरे के साथ इनका समझौता हुआ था एनडीए का, बीजेपी का, तो बाला साहब ठाकरे जी की एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी आई है, उसके अंदर बाला साहब ने यह कहा था कि जिसके भी दोनों पार्टियों में सीटें ज़्यादा होंगी उसी के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या कारण है कि उस कथन पर आज शिवसेना नहीं उतर पाई? लेकिन ये तो उसके उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन कुछ दिन पहले हमें ये देखने को मिला कि एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिनके नेता शरद पवार जी हैं, वो उनका भी अपना मुकाम है महाराष्ट्र के अंदर। एनसीपी कांग्रेस का अलायंस था, और जब शिवसेना को लगा कि बीजेपी का साथ छूटा, तो उस समय शिवसेना ने अपनी धुर विरोधी पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो गठबंधन नहीं सिरे चढ़ सका, और गवर्नर को, राज्यपाल को महाराष्ट्र के वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और उसके बाद आज सुनने में आ रहा है, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर, कि आज एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ आज शरद पवार जी 12 बजे मुलाकात हो रही है उनकी। लेकिन ये मुलाकात क्या होगी, ये सभी की जिज्ञासा इस मुलाकात पर डिपेंड हैं। अब हम बात करेंगे, महाराष्ट्र एक वो प्रांत जहां पर अब देखने को ये भी मिल रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना भी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इलेक्शन लड़ती रही। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हिंदुस्तान की इकोनॉमिकली कैपिटल बॉम्बे भी इसके अंदर है, और आरएसएस का संघ कार्यालय नागपुर भी इसके अंदर है। यानी कहने का मतलब सब कुछ ही भारतीय जनता पार्टी का इसी जगह के ऊपर है। अब देखना कि भविष्य के अंदर किसकी सरकार बनती है। ये थी मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट महाराष्ट्र के ऊपर, मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।